टू माई ब्लॉग देसी मॉम एडवेंचर डायरी। एक बजा है और मैं और एरन अभी नीचे आए हैं क्योंकि एरन सो रहा था, जाग रहा था। तो बस अभी नीचे आके मैं एरन को कुछ खाने को देती हूँ। यूजली मैं उसको सुबह जो है वो पॉरेज देती हूँ, तो अभी वो देती हूँ और साथ साथ घर का काम स्टार्ट करती हूँ। मौसम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश शुरू हो जाती है। तो कल जो नेबर आई वो ये बुक लेके आई थी एरन के लिए, बहुत मज़े किए। इसके कान देखें ऐसे हैं और ये स्क्रंची वाली बुक है, ये इस तरह से इसके पेपर्स होते हैं। तो पीटर रैबिट थीम की ये बुक लाई है। एरन जो इधर लेटा है अपने टॉयज के साथ, देखते हैं एरन के कपड़े। कुछ कुछ इसके कपड़े सूख गए हैं। तो एरन को आज मैंने बेबी कैरियर में डाल दिया क्योंकि काम नहीं करने दे रहा था, तो मैंने ऐसे इसको डाल के और मैं घर का काम कर रही हूँ। खाना एरन ने खा लिया, अब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ सुलाने के लिए और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या दिन का प्लान है। डेविड आ गए काम से, उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो खाना हमने खा लिया और एरन भी सो के उठ गया, एरन उठा और डेविड सो गए। तो अभी मैं एरन के साथ खेल रही हूँ और इसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है। थोड़ी देर में इसको फिर बिठाऊंगी, अभी उठा था तो बिठाया था, अब 10 मिनट्स में फिर बिठाना है। तो आजकल बस सारा दिन मेरा इसी में लग जाता है, इसको पॉटी पे बिठाओ, इसको ट्रेन करो। तो अभी पीते हैं एक कप चाय एरन को बिठा के पॉटी पे, उसके बाद चाय पीते हैं और फिर डेविड गोश्त लाए थे तो वो मैं अभी धोती हूँ। तो शाम की चाय बनाइए, डेविड भी उठ गए और साथ थोड़े से नगेट्स और फ्राइज और समोसे जो है एयर फ्रायर में बनाए, तो अभी वो खाते हैं। ये बनाए, थोड़े से ही बनाए और ये है चाय। मैं बना रही हूँ पालक गोश्त, तो गोश्त पक रहा है और ये पालक धो के रखी है सारी। साथ ही एरन के लिए खिचड़ी चढ़ाई है, तो इसमें दाल चावल एक गोश्त का पीस मैंने डाला था
और साथ पालक डाल लिया। एरन सो गया, उसकी खिचड़ी बनाई थी, उसने शौक से खाई, उसमें पालक भी थी और यखनी भी थी, तो काफ़ी हेल्दी थी उसके लिए। थोड़ी सी खाई क्योंकि मुझे लगता है कि यखनी की वजह से उसके लिए हैवी थी। सो अभी मैं अपने लिए करती हूँ एक कप दूध गर्म और उसके बाद कुछ बातें करनी है आपसे। डाला दूध, इसको मैं नाप के मैंने इस डेगची में डाला। इसको चूल्हे पे रख देते हैं। एरन और डेविड सो रहे हैं दोनों, मॉनिटर में लगाया हुआ है। उबाल आ गया है तो इसको बंद करते हैं और ये कप में तो एरन सो गया। और जब से एरन हुआ है तब से मैं एक कप दूध ज़रूर पीती हूँ। तो मैंने अभी सोचा कि ये अच्छा टाइम है आपसे कुछ टर्की के बारे में शेयर करूँ। सो दो तीन चीज़ें थी मेरे माइंड में जो मैंने कहा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप कभी इरादा कर सकते हैं जाने का, तो ये एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले है वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। सो एरन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था तो उसको वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है, वो कोई इशू नहीं था। फिर मेरे पास यूके का बीआरपी कार्ड था, रेजिडेंस परमिट है, तो मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया। और ई वीज़ा अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर था, ऑनलाइन फॉर्म था वो फिल किया जिसमें उन्होंने आपसे बेसिक डिटेल्स, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका बीआरपी नंबर, ये चीज़ें मांगी। और विद इन 4 मिनट्स जब मैंने फॉर्म फिल किया, 4 मिनट्स में आप मेरे पास वीज़ा आ गया। सो वो ई वीज़ा था, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे मैंने यहाँ से जब मैं बोर्ड करी थी तब उन्होंने देखा और हल्की सी बस नज़र मारी, कोई ऐसा नहीं था और हो गया। पर पाकिस्तान में जो वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है वो काफ़ी लेंथी है और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो एक लेटर होगा जिस पे आप लिखोगे कि आप क्यों जा रहे हो, फिर आपकी टिकट, आपका होटल रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें वो लोग मांगते हैं। तो मामा ने क्योंकि पाकिस्तान से अप्लाई किया था तो उन्होंने ये सब किया। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएगा, मैं डिटेल में आपके लिए उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। उसके बाद बारी आती है बुकिंग्स की, तो मैंने यहाँ से ही होटल की और टैक्सी की बुकिंग की थी क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रॉड का भी रेट हाई है और क्या कहते हैं उसको, इजी होता है कि अगर आप दूसरे मुल्क जाओ तो आप बुकिंग्स पहले करा के जाओ। सो booking.com एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स, कुछ डील्स भी मिल जाती हैं, रीज़नेबल प्राइसेस भी मिल जाती हैं, तो वो मिल जाते हैं। तो मैंने वहाँ से जो है वो होटल सेलेक्ट किया और बुकिंग कर ली। और साथ ही मैंने जो booking.com पे ही टैक्सी थी वो भी मैंने बुक कर ली, अबाउट 30 pounds 28-30 pounds के बीच में पे करना था एक साइड का, तो वो मैंने बुक कर लिया। तो वो इजी हो गया क्योंकि बस हम एयरपोर्ट पे उतरे और वो बंदा खड़ा हुआ था और बस उसने हमें गाड़ी में बिठाया और हम एयरपोर्ट होटल अपने पहुंच गए। तो आपका भी अगर ऐसा कुछ प्लान हो तो आप एयरपोर्ट टैक्सी या फिर booking.com या ऐसी कोई भी ऐप जो रिलायबल हो उससे आप ज़रूर बुकिंग करा लें एयरपोर्ट से होटल तक, क्योंकि एयरपोर्ट भी शहर से काफ़ी दूर है। सेकेंडली होटल सिलेक्शन जो थी
वो मैंने पढ़ा कि मुझे कहाँ होटल बुक कराना चाहिए। तो जो वहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि हाया सोफिया है, ब्लू मॉस्क, उसके अलावा हिप्पोड्रोम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल करीब करीब ही हैं, साथ साथ हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और ये सब वहाँ पे इस्तांबुल में ओल्ड टाउन में मौजूद है। तो मैंने जो है वो देखा, ओल्ड टाउन में कुछ होटल्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम बिल्कुल ब्लू मॉस्क या ग्रैंड बाज़ार से 2 मिनट्स की 3 मिनट्स की वॉक पे, लेकिन उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी और मुझे थोड़ा रीज़नेबल चाहिए था। तो मैंने जो है जो देखा वो 15 मिनट्स 13 मिनट्स इस तरह से था, तो मैंने वो बुक किया। तो अच्छा हुआ, उसकी भी प्राइसेस बहुत कम नहीं थी। कुछ ऐसे थे जो इन जगहों से 20-25 मिनट्स दूर थे, उनकी प्राइस काफ़ी कम थी। बट अच्छा ही हुआ कि मैं इतनी कंजूसी नहीं की, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स थे वो काफ़ी ऊपर नीचे थे, स्लोप्स थे और इस तरह से। तो वो अगर मैं दूर ले लेती तो फिर ये होता कि चलने में काफ़ी मुश्किल हो जानी थी। तो मैंने ओल्ड टाउन में ही होटल बुक किया और बहुत 5-स्टार होटल नहीं था, जिस तरह से होते हैं सरीना, मैरियट वगैरह, इस तरह से नहीं था। बट वहाँ पे तकरीबन सारे होटल्स इसी तरह से थे। उसके बाद एक चीज़ कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी और एरन की ज़रूर कराई थी। आप लोग भी अगर प्लान करें तो हेल्थ इंश्योरेंस ना भूलिएगा, क्योंकि बुरे वक्त का कुछ नहीं पता होता। और वहाँ पे मेडिसिन जो है या मेडिकल ट्रीटमेंट्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, सो वो ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस देखी कि वहाँ पे लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं, तो वो काफ़ी मैं चुकन्नी रही। और लिटरली हमारे साथ दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि वहाँ पे वो आते हाथ में परफ्यूम्स लेके और वो आपके जल्दी से हाथ में देने की कोशिश करेंगे कि ये लें, ये बहुत सस्ती है, एक दफ़ा देखें। बट होता ये है कि अगर आप उसको पकड़ लो तो वो फिर वापस नहीं लेते और कहते हैं आप ख़रीदो। तो हमारे साथ दो दफ़ा ये हुआ जब हम मार्केट में थे कि उन्होंने इस तरह से फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको नहीं लिया, हमने कहा पीछे हो जाओ। सेकेंडली जो है, जब आप पेमेंट कहाँ कहीं भी आप खाना खाओ तो जब पेमेंट करो तो वो बिल एक्स्ट्रा बना देते हैं। तो मैंने जहाँ पे भी खाना खाया मैंने अपना पहले काउंट कर लिया कि इतना बिल आएगा। उसके बाद एक दफ़ा यही हुआ कि हमने खाना खाया और तकरीबन 300 टर्किश लीरास बिल बना, लेकिन वो हमें कह रही है कि 450 टर्किश लीरा। तो मैंने उसको बोला कि क्यों इतने, तो ये लिया था। तो फिर उसने आनाकानी करके कहा कि नहीं ठीक है, 300 टर्किश लीरा से। सो ये थी कुछ चीज़ें जिसका हमने ख्याल रखा और इनकी वजह से जो है हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा गया। कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई जिसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। सो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका ख्याल रखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप जाना चाहें, अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने अकेले एरन के साथ ट्रैवल करना था तो मैंने क्या प्रिपरेशंस की, और वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि टोटल एक्सपेंस जो है पूरे ट्रिप का वो कितना आया। सो आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। सो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।